जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगे। दोस्तों फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों का त्यौहार होली मनाया जाता है। होली का पर्व एकजुट रहने, समानता की भावना बनाए रखने तथा शाश्वत मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। शास्त्रों में होली की रात को सिद्धि की रात कहा जाता है, क्योंकि इस रात को महाशिवरात्रि, दीपावली, नवरात्रि की तरह महारात्रि माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इन रातों में योग योगनियां जागृत रहती है, इसलिए साधना का फल तुरंत मिलता है। होलिका दहन के बाद उसकी राख से कुछ उपाय करके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे होलिका की राख से किए जाने वाले कुछ टोटके, कुछ उपाय के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। होलिका दहन की राख में थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर उसको किसी साफ बर्तन में रख दें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, साथ ही आपका बुरा समय भी खत्म हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। तो बुरा समय को समाप्त करने के लिए होलिका की राख को आप ऐसे उपाय के रूप में कर सकते हैं। दूसरा उपाय है दोष को समाप्त करने के लिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह परेशान कर रहा है तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 पान का पत्ता और 1 बतासे को होली की आग में डाल दें। इसके बाद अगले दिन उस राख को सर्वात सिद्धि योग में बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष नहीं रहेगा। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ कैसे आपको दूर करनी है। होलिका की रात सरसों के दानों को पीसकर उसमें हल्दी, दही, शहद मिलाकर उबटन बनाना है। उबटन को शरीर पे मलना है, इससे जो शरीर से मैल निकलेगा उसे होलिका की आग में डाल देना है। माना जाता है कि इससे शरीर निरोग होता है। इसका कारण यह है कि उबटन में गुरु, शनि, शुक्र, चंद्र से संबंधित वस्तु होता है जो स्वास्थ्य विकार को दूर करता है। इसके बाद आपको करना है आर्थिक समस्याएं को दूर करने के लिए, तो आपको आर्थिक संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए होलिका की राख को लाकर पूरे घर में छिड़क देना है। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है। ऐसी मान्यता है कि घर में वास्तु दोष होने पर भी यह लाभप्रद माना गया है। इससे गृह कलह और आर्थिक बाधाएँ भी दूर होती है। आगे आपको क्या करना है, फंसा हुआ धन आपको अगर नहीं मिल रहा है वापस तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है। अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ है तो आप होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करें। इसके बाद उसके नाम का हरा और संतरी गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपका फंसा हुआ धन जल्द ही वापस आ जाएगा। आगे का उपाय आपको क्या करना है होलिका की राख से, तो पुराणों में बताया गया है कि होलिका की राख बहुत पवित्र और शुभ होती है। राख को माथे पर लगाने से 27 देवी देवता संतुष्ट होते हैं। इस राख को लगाने का एक नियम है, इसे बाईं ओर से दाईं ओर लगाएं। इस रेखा को त्रिपुंड कहा गया है, जिसके स्वामी महादेव, महेश्वर और शिव हैं। इसे लगाने से रोग, शोक, भय दूर होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, कौन सा उपाय करना है, तो होलिका की राख को एक पोटली बनाकर तिजोरी या फिर ऐसी जगह रख दे जहां आप पर आप अपना धन रखते हो। ऐसा करने से संचित धन बढ़ता है। टोने टोटके का भय होने पर इस राख से तिलक भी लगा सकते हैं, इससे आत्मबल मिलता है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ उपाय बताए जो कि बहुत कारगर है। आप होलिका दहन की राख से आप इस उपाय को कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।